ख्याल की बंदिश ताल में कही जाती है क्या? ये मेरा कहना है, ताल में नहीं कही जाती है। एक थॉट चल रहा, आते आते दूसरा थॉट आ गया, वो आया ना, वो खत्म नहीं हो पाया, उस पर सोच नहीं पाया, इतने में तीसरा आ गया, है ना, इससे कुछ और चले गए, कहीं से कहीं भटक गए, है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? तो उसी तरह से इसी का आप ये देख लीजिए, मेटाफोरिकली या लिटरल उसका मीनिंग ले लीजिए, जब उसको गाते हैं तो वो बीट टू बीट चलता ही नहीं है, वो रिदम में चलता ही नहीं है, है कि नहीं? यानी उसकी एक लय नहीं है, जैसे ख्यालों की कोई लय नहीं है, उसी तरह से ख्याल गायकी में कोई लय नहीं होती है। वो एक एक बात पे रोने लगा था, समुंदर आबरू खोने लगा था। लेकिन मैं वो चीजें बता रहा हूं जिससे आपका स्तर बढ़ जाएगा दिमाग का, तो सिलेबस आप खुद ब खुद, है ना, खुद ब खुद चीजें फास्ट कर लोगे, चीजों को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये लय, ताल, शब्दों की मीनिंग, कॉम्पोजिशन का ढंग, ये समझने से आसानी हो जाती है। अब वही ख्याल है, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, ये आप गाते होगे। अब ये तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार, इस तरह से गाते हो। पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार, है ना, इस तरह से गाते हो। क्योंकि हमारी जितनी रागें हैं उनका ताल्लुक सीधा रिलेशन उनका अध्यात्म से है, ठीक है। इस वजह से ही तो मैं कहता हूं कि शास्त्रीय संगीत मतलब साहित्य, संगीत और अध्यात्म, ये तीनों साथ में चलता है, ठीक है। तो बिलावल का मैंने आपको बताया। अब ये जब पोएट्री आप गाओगे, इसको गाने का क्या तरीका होता है? एक तो पोएट्री गाई जाती है तू, जो स्टूडेंट बेस पे आप जैसे आप गाओगे, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आ, बीट टू बीट चल रहा है, जैसी कॉम्पोजिशन है, जैसी रिदम है, उसको फॉलो करते हुए आप गा रहे हो। और एक तरीका होता है जिसमें आप लय छोड़ के गाते हो। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि लय में रहना होता है, और अब मैं ही कह रहा हूँ कि लय छोड़ के गाना है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? कि लय छोड़नी है, लय से बाहर नहीं होना है, यानी ऑफ बीट्स को गाना है, हाँ, सम को दिखाना है, है ना, जैसे कि तू ही आधार सकल, ये क्या है, बीट टू बीट गा रहे हैं। अब मैं क्या बदलूंगा इसकी, बांट, बांट मैंने बताया है, वर्ड्स की स्पेसिंग को कहते हैं बांट, कि शब्द कितनी दूरी पे बोले हैं, जैसे जन गण मन अधि, ये लय है। अब यही लय रहते हुए इसकी बांट बदलूंगा तो जन गण मन अधि, ये क्या हुआ, जन के बाद गैप दे दिया, गण जल्दी बोल दिया, तो ये क्या बदली मैंने, बांट। ये स्पेसिफिक मालूम होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या किया है क्या नहीं किया है, इवन सीखे सिखायों को, कि यहां बांट बदली है कि लय बदली है। लय नहीं बदली मैंने, लय वही चल रही थी, एक दो तीन चार, यही लय चल रही थी, वर्ड्स की स्पेसिंग बदल दी, है ना। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, यही हम गाएंगे, लेकिन वर्ड्स की स्पेसिंग बदलकर। और स्पेसिंग क्यों बदली जाती है, ताकि मीनिंग क्लियर हो। जैसे कि मैंने बताया, हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, रुको मत जाओ, रुको मत, रवाना जाओ यहां से, है ना, तो पॉज बदला तो मीनिंग बदल गया। उसी तरह से यहां हम गाएंगे। अब यहां क्या आता है, पालक सचरा चर भूतन, इस तरह से गाते हैं हम, ऐसे ही गाते हैं ना, क्योंकि वो नीचे जाती है और अगली लाइन ऊपर है, निषाद पर है, है ना, तो हम वहां तोड़ देते हैं उसको। लेकिन वहां तोड़ना नहीं है, तोड़ना उससे पहले है, है ना। जैसे कि मेरा नाम है निषाद किशोर पांडे, अब मैं निषाद की शोरपान और डे ऐसे थोड़ी बोलूंगा, भाई मेरा नाम बोलना है तो निषाद के बाद पॉज आएगा, किशोर के बाद पॉज आएगा और पांडे आएगा, तब तीन जो अक्षर हैं वो शब्द जो हैं वो क्लियर होंगे। उसी तरह से ख्याल भी गाया जाता है। तो एक बहुत अच्छे तबला वादक हैं, उन्होंने ये चीज कही थी कि ख्याल को गिना नहीं जा सकता है। ताल क्रिया कैसे होती है, ताली से होती है, ताल के ऊपर आता है वो ठेका है, ठेका का मतलब ताल नहीं है, ये फर्क पहले समझ लीजिए। ताल का मतलब है ख्याल की बंदिश ताल में कही जाती है क्या, ये मेरा कहना है, ताल में नहीं कही जाती है। जैसे कि शुरू करो मुखड़ा, किसी राग का मैं ठेका लगा तो
कैसे के अब कहा दूसरा दिन लगा ना, वो गायक की तरफ देखता है तबला वादक, वो तबला प्लेयर की तरफ देखता है कि यहाँ कहाँ लगेगा, क्योंकि इटसेल्फ बंदिश दूसरी मात्रा कहती नहीं है, और ऐसे मात्रा टू मात्रा कही जाती है वो है ध्रुपद संगीत, और ख्याल संगीत इसी पॉइंट को अलग हुआ है। अब ये कैसा सवाल हुआ भाई, हैं ये कैसी बात हुई, ख्याल को क्यों नहीं गिना जा सकता, ख्याल की कॉम्पोजिशन है, आपने ख्याल लिखा हुआ है, नोटेशंस लिखे हुए हैं, उसकी बांट लिखी हुई है, कौन सा शब्द पे कौन सा सुर है ये लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा पे कौन सा सुर है ये तक लिखा हुआ है, नोटेशंस हैं, तो गिना क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि ख्याल गायकी जो है रिदमिक होती ही नहीं है, बीट टू बीट नहीं चलती है। ये उसी तरह से है, ख्याल कभी एक जैसे आते हैं आपको, थॉट्स चल रहे हैं, एक थॉट आया दिमाग में, कब उसको तोड़ के दूसरा थॉट आ जाएगा पता नहीं चलेगा, थॉट्स पे अपना कंट्रोल ही नहीं होता है, है ना, एक थॉट चल रहा है, आते आते दूसरा थॉट आ गया, वो आया ना, वो खत्म नहीं हो पाया, उस पर सोच नहीं पाया, इतने में तीसरा आ गया, है ना, इससे कुछ और चले गए, कहीं से कहीं भटक गए, है कि नहीं, ये होता है कि नहीं। तो उसी तरह से इसी का आप ये देख लीजिए, मेटाफरिकली या लिटरल उसका मीनिंग ले लीजिए, जब उसको गाते हैं तो वो बीट टू बीट चलता ही नहीं है, वो रिदम में चलता ही नहीं है, है कि नहीं, यानी उसकी एक लय नहीं है, जैसे ख्यालों की कोई लय नहीं है, उसी तरह से ख्याल गायकी में कोई लय नहीं होती है, उसको ऐसे गाया नहीं जा सकता। ये तो बच्चों की तरह गा रहे हैं आप, ये मतलब सीखने के लिए, जाहिर सी बात है वो तो शुरुआती दौर में तो वैसा ही जरूरी होता है कि किस तरह से उसको रिदमिक गाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसके सुर क्या लग रहे हैं, है ना, उसकी ताल क्या है, उसकी लय, वो सीखने के लिए जरूरी है बीट टू बीट गाना, पर उसको उसका एंड जानना जरूरी है। लोग क्या कहते हैं, सीखने के लिए तो जान लेते हैं, फिर हमेशा ताउम्र उसको वैसे ही गाते हैं बच्चों की तरह ही, रिदम तोड़ते ही नहीं उसकी, है ना, कितनी ही रागें सीख ली वो उसी तरह से गा रहे हैं, हर ख्याल को बीट टू बीट गा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, है ना, एक बार जान लो, सीख लो, उसके बाद उसका तरीका बदलो। तो कैसे गाया जाएगा, अब ये लय चल रही है, इसी लय में हमारा ख्याल है, है ना, एक दो, आप भी इसी में गाएंगे, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार। अब इसमें हमें बदलना क्या है, लय यही चलेगी, लेकिन अब शब्दों को बोलने का तरीका देखिएगा, एक तो ये तरीका था जैसे मैंने बोला, अब दूसरा तरीका देखिएगा और ये बताइएगा कौन सा ज्यादा समझ आया और कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, पालक सचरा चर भूतन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही आधार सकल त्रिभुवन को, तू ही विष्णु तू नारायण, तू ही विष्णु तू नारायण, कारण तू परब्रह्म जगत को, तू ही आधार। कोई लय नहीं थी इसमें, आप इसको बीट टू बीट नहीं बोलोगे कि ये ऐसा ऐसा चल रहा था जनगणमन की तरह, वैसा था ही नहीं है, है ना, इसे कहते हैं गायकी, है ना, इसे कहते हैं गायकी। ये इसमें लय का ख्याल है, इसमें लयकारी है। अब ये कैसे आती है, ये तो मैंने गा के बता दिया कि ये फर्क तो मैंने बता दिया कि ये होते हैं दो, एक ऐसी गायकी होती कैसी आती है, अब सवाल ये आता है ये वाली जो दूसरी वाली आपको कैसे सिखाऊंगा मैं, है ना। अब इसके दो तरीके हैं, इस गायकी को सीखने का पहला तरीका है नाइकी। नाइकी एक कॉन्सेप्ट होता है, नायक यानी अभिनेता,
अभिनय जो करता है। तो यानी मेरी गायकी को कॉपी करो आप। अगर मैंने गाया तू ही आधार और तू ही आधार, ये दो तरीके से गाया, इसको रिपीट करो, है ना। रिपीट किया तो सीख जाओगे, एज इट इज गाने लग जाओगे। जैसा मैंने गाया ऑफ बीट जो लय से अलग था, एज इट इज गाने लग जाओगे। एक एक फ्रेज अगर मैं आपको याद करा दूं, सकल वरना था सकल और मैंने गाया सकल, तो आपने ये दोनों तरीके देख लिया कि हाँ ये दो तरीके होते हैं, आपने कॉपी कर लिया। इसे कहते हैं नाइकी, है ना, जो अक्सर क्लासेस में होती है। यही होती है कि भैया गुरुदेव बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने गाई, आपने रिपीट करी। इसे कहते हैं नाइकी, यानी रिपीटेशन इमिटेशन कॉपी करना, सीधी सीधी बात, सीधी भाषा में। अब दूसरा तरीका यह है कि मैं इसके कंसेप्ट आपको समझाऊं कि अगर मैंने तू ही आधार एक तो ये गाया और तू ही आधार, तो इन दोनों में फर्क क्या था? लय का, बांट का, वो जो खेल है वो अगर मैंने आपको समझाया, तो एक तू ही आधार तो मैंने गाया, ऐसे 10 तू ही आधार आप मुझे गा के दिखा देंगे, है ना। मैंने जो बिलावल पर सीरीज बनाई है अपने म्यूजिक फ्लो पे, द म्यूजिक फ्लो पे, वो देखी है आपने? उसमें जब मैंने छोटा ख्याल सिखाया है, वहाँ ये चीज़ मैंने समझाई है। सबसे पहले मैंने ये बताया, रुको मैं आपको वो PDF यहाँ से दिखाता हूँ, Episode 6 है इसका, ये इसमें मैंने समझाया हुआ है। इसके लिए मैंने टेक्निक्स बनाई हैं, और वो टेक्निक्स ये हैं कि आपका उमूमन जो जो मुखड़ा उठता है वो तो 13 से उठता है, 13, 14, 15, 16 तू ही आ। अब इसके मैं अलग अलग वेरिएशंस आपसे जब करवाऊंगा कि अब इसे 4 में न ला के 8 में लाइए, तो इसे 9 से उठाएंगे। कैसे? यहां से ग प नी नी, वही 4 सुर थे ग प नी नी, लेकिन अब आप कैसे करेंगे ग प नी नी। ये वेरिएशन है इसका, ये लय छोड़ के गाना हुआ तू ही आधार। अब इसे 8 में न गा के 7 में गाएंगे, तो यहां से उठाएंगे 10वीं से ग प नी नी तू ही आ। यही सिर्फ छोटा सा मुखड़ा है, उसी के वेरिएशंस करें अभी, तो है ना। जब ये सारे वेरिएशंस एक एक करके करते हो, यही 4 मात्रा के मुखड़े को आप पहले आप 8 में लाए, 7 में लाए, 6 में लाए, 5 में लाए, 4 में लाए, 3 में लाए, 2 में लाए और 1 में लाए, इतना सा काम किया और कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। कि उसी 4 मात्रा के मुखड़े को पहले आपने 8 से लेकर 1 तक अलग अलग वेरिएशंस बनाए, जब ये कर लिया तो ये लय छोड़ के गायकी आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। फिर जब मैं ये गाऊंगा ना तू ही आधार, तो आपको समझ आएगा कि ये मैंने तू ही आधार का कितना गुना किया, जो ये पहले 4 मात्रा में आ रहा था अब ये 3 में आ गया। तू ही आधार एक, तू ही आधार एक लय मैंने सिखाई है 4/3 गुना, सीखी आपने नहीं। आज मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, भेज दूंगा, सेंड करूंगा, तो वो जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा 4/3 किसे कहते हैं। जैसे अद्धा तीन ताल की प्रैक्टिस करी, दीपचंदी की करी, उसी तरह से 4/3 की करना, तो ये कंसेप्ट जो है लय के साथ खेलने के, ये आपको और ज़्यादा समझ आएंगे कि यही शब्द होते हैं, इन शब्दों को कैसे हम फिट करते हैं बेसिकली बांट में, जैसे बांट कहते हैं ना। ये और कुछ नहीं है जो मैं अभी करता हूं, जो अभी मैंने गायकी सुनाई आपको, वो यही था कि उसमें लय का खेल था। तू ही आधार सकल, ये क्या किया, कहीं भी सांस ले ली अपने हिसाब से और कहीं से भी शब्द उठा लिया, वो ऑफ से भी उठ रहा है, बीट से भी उठ रहा है, लेकिन वो मैं एडजस्ट कर रहा हूं उसे, है ना। 16 मात्रा से कुछ भी बाहर नहीं है, है क्या, सम एक बार भी नहीं चूका, सम पे आए, बराबर आए, हमेशा आए, है ना। और वहीं, और ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ख्याल जहां से उठ रहा था वहीं से उठेगा हर बार, नहीं, वो कहीं से भी उठ सकता है, जो मैंने अभी बता दिया। इसीलिए तो मैं वेरिएशंस कराता हूं कि पहले 8 में लाओ, फिर 7 में लाओ, 6 में लाओ, ये एक्सरसाइज है। ये अगर करोगे तो प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी करी वो सुधरेगी। ये दूसरा तरीका है और ये मेरा तरीका है। पहला तरीका ये था कि आप एज इट इज कॉपी कर लो, मैंने गाया तू ही आधार, रिपीट कर दो इसे, है ना,
सकल त्रिभुवन को, है ना, इस तरह से।